हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिन बाद इस जगह पे ब्लॉग आ रहा है और इसका कुछ कारण था ब्लॉग ना आने का। जैसे मुझे मौका मिला और इस चैनल पे आपको ये ब्लॉग देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये देख सकते हैं सरसों, अभी अभी छोटी है, सब चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको गांव में। जो जहाँ रहता है ना, उसे मकई माहौल अच्छा लगता है। मैं तो गांव में रहता हूँ तो मुझे गांव का माहौल अच्छा लगता है, और सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह खुली हवा में घूमना, तो इससे तो मुझे अच्छा कोई लगता ही नहीं है गांव से अच्छा। गांव में ना काफ़ी अच्छा, काफ़ी सादा जीवन जिया जाता है, और शहर का तो अपना अपना हिसाब है। क्योंकि मैं शहर में रहा नहीं हूँ और मैं अधिकतर गाँव में रहता हूँ, तो मुझे गाँव को पता है। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। दोस्तों, ये है मुंजी और इसे धान भी कहते हैं, इससे से ही चावल निकलता है। और दोस्तों, ये देख सकते हैं एक गन्ना। और दोस्तों, ये है मुंजी फूले, जब मुंजी निकलने के बाद ये अलग रखे जाते हैं और ये निहार के काम आते हैं, ढोर भैंस डंगर में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गांव में कुछ नहीं मिलता देखने को, सब मिलता है। यहाँ तक कि खाने पीने का, हेयर सैलून का, सब कुछ मिलता है हमारे गांव में। तो अब हम आए हैं भाई की दुकान पे, जो इन्होंने नई दुकान खोली है। इनके पास सब चीज़ अवेलेबल मिलता है, चाउमीन, बर्गर, चिली पटेटो, मोमो सब मिलता है। और शाम के 6 बजे से लेके 9 बजे तक खूब भीड़ रहती है इनकी दुकान। 9 बजे इनकी दुकान बंद हो जाती है। अभी अभी नहीं खोली है और काफ़ी भीड़ है अभी, और ये अभी आ चुके हैं, देख सकते हैं। अभी कुछ सामान लेने आए हैं और कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग को ये समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, यह ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद।